तो हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ तीन सिंह मरकाम और आप देख रहे हैं ईट छत्तीसगढ़ यूट्यूब चैनल और एक नया बड़ा अपडेट छत्तीसगढ़ किसानों के लेकर कि जो व्यावसायिक जो फसल हैं खासकर मक्के और गन्ने के लिए उनके लिए प्रोत्साहन की नई योजना, नई नीति, नई तैयारियां जो है छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से की जा रही है। तो इस वीडियो पर हम जानेंगे कि किसानों को किस तरह से लाभ मिलेगा और किस तरह से योजना नीति जो है किसानों के ऊपर लागू होगी और इसका जो लाभ है किन किन किसानों को मिलेगा। तो पूरा वीडियो देखते रहिएगा और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर से कीजिए। तो जो न्यूज़ सामने निकल के आ रही है छत्तीसगढ़ किसानों के ऊपर कि राज्य में दलहन व तिलहन मक्का और गन्ने के उत्पादन को बढ़ावा के लिए कृषि विभाग द्वारा किसानों को प्रेरित एवं प्रोत्साहित करने का विशेष अभियान शुरू किया जा रहा है। कृषि विभाग द्वारा आगामी खरीफ सीजन में दलहन के रकबे में 28% तथा तिलहन के रकबे में 33% की वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है। यह जानकारी मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में गत दिवस मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में आयोजित कृषि विभाग की समीक्षा बैठक में दी गई है। बैठक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कृषि विभाग द्वारा आगामी खरीफ सीजन को लेकर की जा रही तैयारियों की विस्तार से समीक्षा की। उन्होंने कहा कि किसानों को लाभकारी फसलों की खेती के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों से खरीफ क्षेत्राधान के लिए जिलेवार निर्धारित लक्ष्य की जानकारी ली। खरीफ के विभिन्न फसलों के बीज एवं रासायनिक उर्वरकों की सोसाइटी में पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए निर्देश अधिकारियों को दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि खरीफ सीजन में खाद बीज की कमी न हो पाए इस पर निरंतर निगरानी रखे जाने की जरूरत है। बैठक में कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने बताया कि राज्य में इस साल खरीफ सीजन में धान के रकबे को 5% कम करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके स्थान पर किसानों को ज़्यादा लाभकारी फसलें विशेषकर दलहन व तिलहन की खेती के लिए आवश्यक मार्गदर्शन एवं मदद दी जाएगी। उन्होंने बताया कि आगामी खरीफ सीजन में 37 लाख हेक्टेयर धान की बुआई का लक्ष्य है, जो बीते वर्ष की तुलना में 1,76,000 हेक्टेयर कम है। तो दोस्तों, जो धान की जो खरीफ फसल का जो लक्ष्य है वो कम रखा गया है इस साल बुआई का लक्ष्य, ठीक है, जो कि पिछले साल की अगर हम बात करें तो। और भाई लोग, इसी तरह मक्के के रकबे को 2,05,000 हेक्टेयर से बढ़ाकर 2,38,000 हेक्टेयर तथा अन्य अनाज की फसलों के रकबे को 76,000 हेक्टेयर से बढ़ाकर 90,000 हेक्टेयर करने का लक्ष्य रखा गया है। यानी कि जो मक्के और जो गन्ने की इस तरह का जो खेती है उनके लिए ज़्यादा बढ़ावा दे रहा है छत्तीसगढ़ सरकार। जैसे कि भाई लोग, अरहर के रकबे में 34,000 हेक्टेयर, उड़द के रकबे में 25,000 हेक्टेयर, अन्य दलहनी के रकबे में 21,000 हेक्टेयर की वृद्धि का लक्ष्य इस साल रखा गया है, ठीक है। तो आप इस तरह से समझ सकते हैं कि व्यावसायिक खेती पर ज़्यादा प्रोत्साहित कर रही है गवर्नमेंट इस वर्ष, ठीक है। उन्होंने बताया कि तिलहनी फसलों के रकबे में 25,000 हेक्टेयर की वृद्धि किया जाना प्रस्तावित है। तो भाई लोग, आंकड़े की अगर हम माने और जो अपडेट की अगर हम माने तो छत्तीसगढ़ किसानों के लेके छत्तीसगढ़ सरकार काफ़ी चिंतित है और इस तरह से जो व्यावसायिक जो फसल होती है अक्सर, है ना, जिससे कि ज़्यादा आमदनी की उम्मीद जताई जाती है, जैसे कि मक्के हो गया, गन्ने हो गया और भी कई तरह के जो फसलें हैं, उनको सीधा सीधा किसानों को लाभ पहुँचे उनके हित के लिए गवर्नमेंट ने इस साल जो है ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है व्यवसायिक फसलों को लेके। तो आने वाले मानसून पर पता चलेगा कि गवर्नमेंट की क्या व्यवस्था रही है, क्या तैयारियां रही हैं छत्तीसगढ़ किसानों के हित के ऊपर की अगर हम बात किया जाए तो। तो ये सारे चीज़ों का जो विवरण है हम आगे भी आप लोगों को शेयर करते रहेंगे इसके संदर्भ में, इसके संबंध में, छत्तीसगढ़ किसानों को ये संबंध में, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं भाई लोग, जो वीडियो है आप लोगों को अच्छा लगा हो, जो जानकारी है आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर अगर आप नए हो तो वीडियो के नीचे लाल रंग का बटन है उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दीजिए। छत्तीसगढ़ का मोस्ट इंपोर्टेंट अप टू डेट जानकारी एंड न्यू जॉब नोटिफिकेशन हम ईट छत्तीसगढ़ यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाते रहते हैं। तो आज की वीडियो पर बस उतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो पे, तब तक के लिए नमस्कार।